बच्चों, कल मुझसे एक चीज रह गया था जो है आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, नीचे डिस्पर्शन मेथड। यानी हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड का, उसका होता था एक कंडेंसेशन मेथड, दूसरा था डिस्पर्शन मेथड। कल मेरे पास टाइम भी था लेकिन जो है मुझे ध्यान नहीं आया कल, लेकिन फिर बाद में जब आपकी क्लास खत्म हो गई जब मुझे ध्यान आया कि भी एक टॉपिक आपका रह गया है, तो मैं इसको फिनिश करके फिर आज से ही बेटा शुरू करूंगा डीएनए ब्लॉक। ठीक बेटा, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट बहुत इजी है, जो बच्चे क्लास लेंगे उनको मैं क्लास में ही समझा दूंगा और सारे आंसर हटवा दूंगा, बशर्ते कि आप लोग क्लास लेंगे प्रॉपरली टाइम टू टाइम, तब बता रहा हूं। बहुत इजी चैप्टर है। ठीक बेटा, तो पहले मैं बात करता हूँ डिस्पर्शन मेथड। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा सिक्योरिटी सही कर दूंगा आपकी। बेटा आप देख सकते हो आपके उसमें दिखाई पड़ रहा है डिस्पर्शन मेथड। डिस्पर्शन मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड लार्जर पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंसेस आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल, इट इज डन बाय फॉलोइंग मेथड्स। नंबर है मैकेनिकल डिस्पर्शन। ये जस्ट लाइक बेटा जो है, जो मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड है, ये जस्ट लाइक जैसे हम लोग जो है गेहूं होता है, गेहूं का आटा जो है हम लोग ले जाते हैं चक्की में पिसवाते हैं, वही जस्ट मेथड है। लेकिन इसमें एक डिफरेंट है, जो गेहूं का जो आटा पीसने वाली जो मशीन होती है जिसको हम फोर मिल कहते हैं, फोर मिल के जो जो दोनों डिस्क होते हैं उनमें से अपर डिस्क तो फिक्स होता है, नीचे वाला खाली रोटेट करता है। लेकिन जो कोलाइडर मिल होती है, इसके दोनों ही डिस्क जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में 7000 राउंड पर मिनट में जो है वे रन करते हैं, ये कोलाइडल मील होती है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि इन दिस मेथड लार्जर पार्टिकल ऑफ सब्सटेंसेस आर ग्राइंडेड, मतलब पीसते हैं उसको इन ए कोलाइडल मील। जैसे में होती है फ्लोर मील होती है, गेहूं का आटा बनाने वाली मील होती है, ऐसे इसको बोलते हैं कोलाइडल मील बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटलिक डिशेस, जैसे हमारा होता है जो पीसता है, आपने देखा होगा कई बार उसमें जो है आटा चक्की में, तो उसको बोलते हैं मेटलिक डिशेस बोलते हैं। नियरली टचिंग टू ईच अदर एंड रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट वेरी हाई स्पीड, दैट इज अबाउट 7000 रिवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में 7000 राउंड रोटेट करता है। द स्पेस बिटवीन डिशेस ऑफ द मील कैन बी एडजस्टेड टू गिव द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज, then it is mixed with the dispersion medium to get colloidal solution. Colloidal solution of black ink, paint, varnishes, dyes, etc. are obtained by this method. ठीक है, ये बता दिए मैंने आपको। समझिए कुछ नहीं बेटा, जैसे हम फ्लोर मिल में क्या करते हैं कि आटा डालते हैं, गेहूं डालते हैं, उससे आटा बनता है, और जितना साइज चाहोगे आटा जो है, महीन आटा चाहिए कि थोड़ा खुरदरा चाहिए, उस सब का उसमें एडजस्टमेंट होता है, उससे जो है कर सकते, हैंडल होता है, उससे हम कर सकते हैं। वही सेम यहाँ भी है, कितने रेंज का, कितने साइज का कोलाइडल पार्टिकल चाहिए आपको, उतना पार्टिकल हम पीस लेंगे। बड़े पार्टिकल होते हैं उनको पीस करके, जिसे हम गेहूं से आटा बनाते हैं, ऐसे ही बड़े पार्टिकल होते हैं जिनका साइज 1000 से ज्यादा होता है। आप जानते हो कोलाइडल रेंज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से ज्यादा, 1000 से कम। तो जिनका साइज ज्यादा होता है उनको पीस करके, ग्राइंड करके कोलाइडल रेंज के पार्टिकल को बनाते हैं। किसका बनाते हैं? इसके द्वारा हम ब्लैक इंक, पेंट, वार्निशेस, डाई मतलब रंग होता है, इनको हम जो है जितना पार्टिकल साइज होता है उसको मैं पीस करके, ग्राइंड करके, फिर सुटेबल सॉल्वेंट में लाइक एल्कोहल वगैरह में या इंक है पानी वगैरह में डिजॉल्व कर लेते हैं, इससे हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है।
तो है मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। दूसरा इसी का सेकंड पार्ट है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन, और इसको बोलते हैं ब्रेडिंग आर्क मेथड। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, ब्रेडिंग आर्क मेथड। ये है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन। इस ब्रेडिंग आर्क मेथड जो होता है, इसके द्वारा हम, देखो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कि आप देख सकते हो कॉपर, एजी, एयू, प्लेटिनम, इनका कोरोनस औसम बनाते हैं। किसका? मेटल का। ब्रेडिंग आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एटसेट्रा। इन दिस मेथड, जिस मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन आपको बनाना है, उसके हम दो रॉड ले लेते हैं, या उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड ले लिया और उनको हमने डाल दिया, ध्यान से मैं बहुत इजी समझा रहा हूं उनको हम क्या करते हैं, पानी से भरे एक टैंक में डाल देते हैं, जिसमें एक आग ड्रॉप होता है, केओएच भरा होता है उसमें, ठीक है। और फिर उस वेसल को हम डालते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर में, यानी आइस में डालते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनको हम कनेक्ट कर देते हैं जो है बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव उसमें देते हैं, आप देख सकते हो फिगर में। और फिर जो दोनों प्लेट होते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इनके, ये मेटल का प्लेट होती है, इनका जो डिस्टेंस होता है, इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करें तो मेटल आर्क, यानी जो है उसमें से आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है। आर्क मतलब होता है, जैसे आप देखते होंगे जब वेल्डिंग होता है तो उसमें से निकलता है चिंगारी टाइप निकलता है, उसे आर्क बोलते हैं। तो आर्क में क्या होता है, मेटल मेल्ट करता है और वो जो हमारा जो है धीरे धीरे वेपराइज होता है, वो वेपर होती है दैट इज डिजॉल्व इन वाटर। इस तरह से कॉपर का, गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनम का कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। फिर समय ध्यान से, हम एक वेसल लेते हैं, वेसल में पानी भरा होता है, वन ड्रॉप इसमें केओएच डालते हैं टू स्टेबलाइज द कोलाइडल सॉल्यूशन, और फिर उसमें वेसल को हम डालते हैं कहाँ पे, फ्रीजिंग मिक्सचर में, जिसमें आइस वगैरह होता है, जिससे सोल्यूशन ठंडा रहे। इसके बाद उसको हम जो है, जो जो दोनों इलेक्ट्रोड थे उनको हम कनेक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी बैटरी से, और दोनों जो हमारा जो प्लेट थी या दोनों इलेक्ट्रोड थे उनको इस तरह से एडजस्ट करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो उसमें इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस हो। इसमें क्या होता है, मेटल मेल्ट करता है और वो क्या करता है, फिर वेपराइज होता है। वेपर जो होते हैं दे वे जो है डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन आप कॉपर, वैसे कॉपर सिल्वर गोल्ड पानी में ऐसे रखे रहोगे, सालों रखे रहोगे, बिल्कुल कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, इस मेथड द्वारा बन जाएगा। तो मैंने क्या लिखा हुआ था, पढ़ देता हूं मैं इसको। दिस मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल। इन दिस मेथड द मेटल हूज कोलाइडल सॉल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर्ड इज मेड एज टू इलेक्ट्रोड एंड दीज इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड इन वाटर। A small amount of potassium hydroxide is also added to stabilize the colloidal solution. The vessel is kept in freezing mixture. The distance between two electrodes is so adjusted that after passing electric current, electric arc is produced. Arc मतलब समझते हो, जैसे welding करते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलती है, उसको arc बोलते हैं। Electric arc is produced, which vaporizes the metal. एंड वेपर इज कंडेंस्ड या वेपर इज डिजॉल्व इन लिक्विड टू गिव कोलाइडल सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल सच एज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एटसेट्रा आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ये हो गया आपका पेप्टाइजेशन, मैंने पढ़ा दिया है, बस इतना ही टॉपिक कर रहा गया था, कल मुझे ध्यान आता तो मैं कल ही पढ़ा देता इसको। अब मैं आपको शुरू कर रहा हूँ आज से नेक्स्ट चैप्टर जो है, दैट इज द डीएनए ब्लॉकिंग। ये आपका है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट। अब इसी को पढ़ाएंगे आपको हम जो है,
तो आपके सामने इसमें है आ गया इसका पीडीएफ। ये चैप्टर बहुत इजी है। पहले इसमें तो दो कंपाउंड भी थे K2Cr2O7 और KMnO4, लेकिन इस बार निकाल दी गए, इसके कारण ये चैप्टर बहुत इजी हो गया है। ये जो है चैप्टर रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। अभी देखता हूँ किसी बच्चे ने मैसेज किया है, क्या बोला है, एज आगे की पीडीएफ को भेज देना सर। बेटा किसकी पीरियड को जो जो प्रॉब्लम आपको मुझसे फोन करना, जो है मुझे समझ नहीं आ रहा किसकी पीरियड करे हो आप। फिलहाल डीएनए ब्लॉक किया तो मैं आज भेज दूंगा, और सरफेस का मैंने ऑलरेडी भेज दिया है आपको, उसका सरफेस केमिस्ट्री का भी, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स का भेज दिया था। अब किस पीरियड की बात कर रहे हो आई डोंट नो। तो मैं बात करता हूँ जो है यूनिट जो है 8 है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके बारे में बात करता हूँ। इसके बाद फिर केवल दो यूनिट बचेगी आपकी, एक बचेगी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर बचेगा तुम्हारा एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। केवल दो चैप्टर और बचेंगे आपके। जिन बच्चों ने क्लास ली है उनको अपना उन्होंने फायदा उठा लिया जो है। तो चलो हम बात करते हैं डीएनए ब्लॉक एलिमेंट। आप जानते हो मॉडर्न पीरियड टेबल में ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में होते हैं एल्कली मेटल, 13-18 ये होते हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी 1 और 2 वाले ग्रुप वाले एस ब्लॉक एलिमेंट, 13-18 पी ब्लॉक एलिमेंट। अब एस और पी ब्लॉक के बीच में आपका इनका ग्रुप होता है 3-12, 10 होते हैं इनका जो है, 10 ग्रुप होता है, 3-12 तक होता है। ये होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, इनमें 4 सीरीज होती है, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो गया। ऐसे सेकंड ट्रांजिशन, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है ये हमारा स्टार्ट होती है स्कैंडियम से और एंड होती है कहाँ पे, जाके जो है जिंक पे। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है इट्रियम से और जाके खत्म होती है आपका उसमें होता है कैडमियम। थर्ड होती है ट्रांजिशन सीरीज, वो स्टार्ट होती है लेंथनम, उसके बाद फिर जो है हाफनियम से लेकर के मर्करी तक, और जो फोर्थ होती है वो स्टार्ट होती है एक्टिनियम से और उसके बाद जो है तुम्हारी एंड तक होती है, ठीक है, यानी 104 से लेकर के फिर तुम्हारे 100 जो भी 11-12 जो भी होते हैं वहां तक होता है। तो ये हो गया, यानी जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको 4 ट्रांजिशन सीरीज में बांटते हैं, बांटा गया है और उसके अकॉर्डिंग इनकी स्टडी होती है, ठीक है। तो उनकी स्टडी जो होती है इस तरह से ट्रांजिशन सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है। ट्रांजिशन सीरीज क्या होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं आप जानते हो, इसका डेफिनेशन आप सामने आ गया है, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन एक और होता है, द एलिमेंट्स विच है पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल either in their elementary form or in their normal state are called transition element or d block elements. So, kya hota hai, the elements which have partially filled d orbital either in their elementary form or in their normal state are called transition element. Yani jin elements mein partially filled d orbital completely fill up na ho, पार्शली फिल्ड हो, यानी 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो, चाहे उनके एलिमेंट्री फॉर्म में, जैसे स्कैंडियम में क्या होता है 4s2 3d1 पार्शली फिल्ड है, एक ही डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वैसे ज्यादातर जो है एक्सेप्ट जिंक, जिंक में क्या है कंप्लीटली फुल फिल्ड ऑर्बिटल, जिंक में भी कैडमियम में भी और आपका जो मरकरी है, यानी जो लास्ट एलिमेंट होते हैं, यानी 12 ग्रुप 12 के जितने एलिमेंट है सब में डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है आपके जो जो ग्रुप 11 भी होता है, लाइक कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है,
इनमें भी आपका डी ऑप्टल भरा हुआ, जानते हो कॉपर का क्या होता है 4s1 3d10 होता है, यानी डी ऑप्टल यहाँ भी भरा हुआ है। तो इन दोनों को छोड़ करके, लेकिन हाँ बाकी जो एलिमेंट होते हैं उस सब में पार्शली 3d ऑप्टल होता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जिन जिनमें पार्शली 3d ऑप्टल होता हो, चाहे एलिमेंटल फॉर्म हो, जैसे आपका स्कैंडियम है 4s2 3d1 होता है, पार्शली फिल्ड है, कॉपर है 4s1 3d10 है, यहाँ पे तो ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी क्यों है, क्योंकि इसके नॉर्मल स्टेट में पार्शली फिल्ड ऑप्टल होता है, इसका होता है नॉर्मल ऑक्सीट होता है Cu+2, तो +2 में 4s का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एक जाएगा उसमें से d में से, तो 3d9 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3d9 हो जाएगा, यानी पार्शली फिल्ड हो गया। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई जिंक कैडमियम एंड मरकरी तीनों ही ग्रुप 12 में है और सब में इसमें जो है जिंक में 3d10 होता है, कैडमियम में 4d10 होता है और मरकरी में 5d10 होता है, डी ऑप्टल पूरा भरा हुआ है, इनका ऑक्सी स्टेट भी होता है +2, उसमें भी नॉर्मल ऑक्सी स्टेट इनका +2 होता है, उसमें भी इनका जो है डी ऑप्टल पूरा भरा हुआ है, तब वाई जिंक कैडमियम एंड मरकरी या ट्रांजिशन एलिमेंट, भाई ये तो डेफिनेशन में आते नहीं है, तो इनको ट्रांजिशन में क्यों रखा गया है, तो इसका रीजन बेटा ये सब बच्चे ध्यान से समझ लीजिए, बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन, इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो ट्रांजिशन एलिमेंट के जैसी होती है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, जबकि दे डोंट है पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तीन एलिमेंट कौन कौन से, जो ग्रुप 12 के हैं, जितने एलिमेंट है इन दे हैव कंप्लीटली फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल आइदर इन देयर एलिमेंटल फॉर्म और इन देयर नॉर्मल ऑक्सी स्टेट, लेकिन फिर भी ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है, क्योंकि देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो मैंने इसको लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे है कि व्हाई जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर ट्रांजिशन एलिमेंट, आप देख सकते हो, तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, जिंक कैडमियम एंड मरकरी हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर एलिमेंटल फॉर्म एंड इन देयर नॉर्मल ऑक्सी स्टेट, बट दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखो इसके नीचे फिर क्वेश्चन है, देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे व्हाई कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड आर ट्रांजिशन एलिमेंट, देखो मैंने एक साथ लिख दिया है, कोई जरूरी है क्वेश्चन एक साथ आए, किसी एक का भी आ सकता है कि व्हाई जिंक इज ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई कैडमियम ट्रांजिशन या व्हाई मरकरी, मैंने तो एक साथ लिख दिया है क्योंकि सब में यही होता है, तो मैंने लिखा हुआ है व्हाई कॉपर सिल्वर गोल्ड, कोई जरूर नहीं है कि कॉपर सिल्वर गोल्ड तीनों मिला करके आएगा, किसी एक का भी नाम आ सकता है या किसी दो का भी आ सकता है, व्हाई कॉपर सिल्वर गोल्ड आर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, बिकॉज दे हैव पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर +2 ऑक्सी स्टेट, आप देख सकते हो कॉपर का +2 में कितना है जो है 3d9 हो गया, नीचे देख सकते हो, इसलिए जो है होता है, तो मैंने क्या लिखा हुआ है इसका आंसर, बिकॉज दे हैव पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर +2 ऑक्सी स्टेट, दैट्स व्हाई कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड आर ट्रांजिशन, तो मुझे लगता है आपको समझा गया, व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, द एलिमेंट्स व्हिच हैव पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल आइदर इन देयर एलिमेंटल फॉर्म, ग्रुप 11 और ग्रुप 12 को छोड़ के बाकी सभी के एलिमेंटल फॉर्म में ही भी पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल पूरा भरा नहीं होता है, और दूसरा होता है या इनके नॉर्मल ऑक्सी स्टेट में भी पार्शली फिल्ड ऑप्टल होता है, ठीक है, लेकिन जो जो हमारे ग्रुप 12 और ग्रुप 13 है, यानी ग्रुप 13 जो है, यानी ग्रुप 12 और ग्रुप 11 यानी जिंक कैडमियम मरकरी, इनमें न तो पार्शली फिल्ड ऑप्टल होता है एलिमेंटल फॉर्म में, न ही नॉर्मल ऑक्सी स्टेट में, लेकिन फिर भी ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है, क्योंकि देयर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द ट्रांजिशन एलिमेंट, ये बात आपने समझ ली है। ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल कन्फ्यूजन क्या होता है, तो आप ऑलरेडी जान गए हो पहले से, या आपने अलग में पढ़ा भी होगा, इसका होता है कि N-1d1 से 10, NS-1 से 2, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट,
क्या होता है n माइनस वन डी वन से टेन एन एस वन से टू ये होता है। आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे देखो क्या होता है n माइनस वन डी वन से टेन एन एस वन से टू ये होते हैं इसका जनरल कंफिगरेशन। अब आप जान गए हो कि इसमें इसकी स्टडी करते हैं सीरीज वाइज थ्री सीरीज फोर सीरीज है फर्स्ट ट्रांस सीरीज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट स्टार्ट होती है स्कैंडियम से एंड होती है कहाँ पे कॉपर जिंक पे, दूसरी स्टार्ट होती है इट्रियम पे और खत्म होती है जाके आपका कैडमियम पे, थर्ड स्टार्ट होती है आपका लैंथनम से और फिर उसके बाद जो है हाफियम से मरकरी तक होती है और जो लास्ट है फोर्थ है दैट इज उसमें एक्टिनियम से स्टार्ट होती है और उसके बाद 104 से लेकर जो है आपका और एंड तक होती है। इसमें तमाम नए एलिमेंट्स जो है इसमें आ गए हैं। ठीक है तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको चैप्टर बहुत बढ़िया इसको जो है बहुत इजी चैप्टर है तो पहले मैं इसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसके बारे में बात करूंगा और फिर धीरे धीरे चैप्टर आपका ये खत्म हो जाएगा। ज्यादा नहीं दो तीन पीरियड में ही ये खत्म हो जाएगा, ज्यादा इसमें बड़ा नहीं है। तो मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ आपको याद करवाने वाला जो मैंने आपसे कहा था कि मैं अगर आप ध्यान से क्लास लोगे तो मैं चैप्टर को आपको आपको पढ़ा दूंगा। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे एक मिनट बेटा हाँ बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है तो मैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको याद कराऊंगा। मेरे साथ सब बच्चे ध्यान समझिए और याद करते चलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है तो पहले इसका डेफिनेशन समझाता हूँ। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो क्या होता है द हीट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इनटू थ्री एटम्स। भाई नाम है एटमाइजेशन यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इनटू थ्री एटम इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यानी जैसे मान लो कोई भी क्रिस्टल है, मान लो सोडियम क्रिस्टल हो, जो भी क्रिस्टल हो, ट्रांजिशन सोडियम नहीं मैं ट्रांजिशन एलिमेंट बात करता हूँ, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके क्रिस्टल को जो है फ्री एटम में बदलना, उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इनटू थ्री एटम इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है लेकिन एक क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है दूसरा जो नीचे लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ। सब बच्चे इसको याद कर लें, ये क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछा जाता है व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आप जानते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अनपेयर इलेक्ट्रॉन काफी होते हैं, स्कैंडियम में 1 होता है, टाइटेनियम में 2 होता है, इसी तरह से बढ़ते जाते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्या उसका रीजन है बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो आयरन में आपके 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो है सब में ही होते हैं मोस्टली, जो जो खाली जिंक वगैरह छोड़ करके। तो बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव मोर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन सो दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड, दैट्स व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सब बच्चे क्या याद करेंगे व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्या बताओगे बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव मोर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन सो दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड। ठीक है याद कर लो, यही क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कुछ नहीं इसमें एक लाइन का आंसर है बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव मोर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन सो दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड दैट्स व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो मुझे लगता है बच्चों को याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा तो भी नोट्स भेजूंगा, उसको कॉपी में नोट कर लेना और उससे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है आप यहाँ पे है, देखो आप दिखाई पड़ रहा होगा 7 पॉइंट है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस,
कॉम्प्लेक्सेस जानते हो, K4FeCl6 होता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और इसी तरह के कंपाउंड के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हो चैप्टर 9 में, जो कि अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। चैप्टर 9 के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे सब पढ़ाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, पोटेशियम फेरीसाइनाइड है, तो ये सब बहुत सारे कंपाउंड है, सब सीखने वाले हो आप लोग जो है। लेकिन क्वेश्चन क्या इसमें आता है, क्वेश्चन आता है कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक क्वेश्चन आता है व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या व्हाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं इसको मोस्टली फॉर्म करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। दूसरे हमारे एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, वे बहुत ही कम मात्रा में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ज्यादातर कंपाउंड जो होते हैं वे फॉर्म किए जाते हैं इसके द्वारा, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सब बच्चे ध्यान से याद कीजिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू देयर स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। याद कर लो, उसका रीजन यही है, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन विच दे एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं सब बताया जाएगा आपको चैप्टर 9 में, कैसे लोन पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो भी सब हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया जाएगा, वो भी आप समझोगे चैप्टर नंबर 9। लेकिन फिलहाल आप याद कर लो हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या याद करोगे, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिकॉज दे हैव स्मॉल एटॉमिक साइज, दे हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड दे हैव देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड वैकेंट डी ऑर्बिटल। में वैकेंट डी ऑर्बिटल दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बनाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड हैं, लेकिन फिलहाल कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है। देखो निकिल NiNH3 का होल 6 ऊपर 2 पॉजिटिव है, CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव है, FeCN का 6 3 नेगेटिव है, यानी वही है फेरीसाइनाइड है, पोटेशियम फेरीसाइनाइड है, और अगर 4 नेगेटिव हो जाएगा तो फेरोसाइनाइड हो जाएगा। ये सब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसमें लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। देखो इसे निकिल है, निकिल क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, अमोनिया क्या है, लिगेंड है। ऐसे दूसरे में क्या है, कोबाल्ट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है, अमोनिया इसमें लिगेंड है। नेक्स्ट में देखो आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट है, साइनाइड क्या है आपका, वो लिगेंड है। ये क्या होते हैं लिगेंड वगैरह सब आपको चैप्टर 9 में पढ़ाया जाएगा। तो मुझे लगता है सब बच्चों को याद आ गया कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बताओगे, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड देयर आर प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन विच दे एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द लिगेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके हैश में जो है, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टीशियल कंपाउंड, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टीशियल कंपाउंड। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं इंटरस्टीशियल कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं। समझिए बेटा, आपने पढ़ा हुआ है बेटा, जब पढ़ा था शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, जिस साइड पे कोई एटम या आयन होते हैं दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं लैटिस साइड बोलते हैं, और उनके बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टीशियल साइड बोलते हैं, जहां गैप छूट जाता है उसको बोलते हैं इंटरस्टीशियल साइड बोलते हैं। जैसे जब आपने देखा होगा क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में भी देखो छोटे छोटे गैप होते हैं, एक गैप बहुत बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे गैप होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, वैकेंट स्पेस होता है इन देयर क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस में वैकेंट स्पेस होते, छोटे छोटे स्पेस होते हैं, उन स्पेस में छोटे स्मॉलर एटम्स ऑफ द सच एज हाइड्रोजन बोरान कार्बन नाइट्रोजन गेट ट्रैप्ड, इनमें से चाहे इनमें से कोई भी या सारे उसमें उन छोटे गैप्स में छोटे छोटे एटम ट्रैप हो जाते हैं। इससे क्या होता है, उनका गैप क्या होता है, फिलअप हो जाता है, दिस इज कॉल्ड इंटरस्टीशियल कंपाउंड। तो मैंने क्या इसका आंसर लिखा हुआ है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वैकेंट स्पेस इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ट्रांजिशन एलिमेंट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वैकेंट स्पेस होते हैं, इन विच एटम्स ऑफ स्मॉलर एलिमेंट सच एज हाइड्रोजन
बोरान और नाइट्रोजन गेट ट्रैप्ड सो दे फॉर्म इंटरस्टीशियल कंपाउंड. द स्पेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज फिल्ड सो दैट ट्रांजिशन मेटल बिकम रिजिड एंड हार्ड. स्पेस फिलअप होने के कारण क्या होते हैं, मजबूत हो जाते हैं और कठोर हो जाते हैं. द इंडस्ट्रियल कंपाउंड हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. पैरेंट एटम की और इंडस्ट्रियल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है सिमिलर होती है, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. इंडस्ट्रियल कंपाउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट होती है, सच एज उसको बोलते हैं डेंसिटी, हार्डनेस, कंडक्टिविटी, ये सब और अच्छी हो जाती है. डेंसिटी बढ़ जाती है, ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, कंडक्टिविटी बेटर हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल स्टील एंड कास्ट आयरन आर हार्ड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टीशियल कंपाउंड विद कार्बन. अदर कंपाउंड क्या होते हैं, TiC है, MN4N है, Fe3H है, TiH2 है, ये सब हमारे इंटरस्टीशियल कंपाउंड है. तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि why transition elements form interstitial compound, क्या बताओगे, because transition elements have vacant space in their crystal lattice in which atoms of smaller element like hydrogen, boron, carbon, nitrogen etc. get trapped, उसमें आके उसमें occupy हो जाते हैं, and this is called interstitial compound. क्या example होता है, TiC होता है, titanium carbide, MN4N होता है, मैग्नीज नाइट्राइड, Fe3H होता है हमारा आपका फेरिक हाइड्राइड, TiH2, टाइटेनियम हाइड्राइड, ये सब हमारे इंटरस्टीशियल कंपाउंड होते हैं. इसके अलावा हमारा जो है क्या होता है, स्टील भी होता है, स्टील में आयरन प्लस कार्बन होता है, इसमें स्टील भी होता है, सब इंटरस्टीशियल कंपाउंड होते हैं. तो मैंने आपको तीन क्वेश्चन समझाया भी, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हाई एंथैल्पी फॉर्मेशन, because they have more number of unpaired electrons so they form strong metallic bond. Why transition elements form complex compound, because they have small atomic size, high nuclear charge and presence of vacant d orbital in which they accept the lone pair electron of the ligand. kaise accept karte hain, sab kuch aapko chapter 9 mein padhaya jayega. next aapka hum padha rahe hain jo hai ki why transition elements form interstitial compound, so this is because transition elements have vacant space in their crystal structure in which atoms of smaller elements such as hydrogen, boron, carbon, nitrogen get trapped and this is called interstitial compound. इससे गैप भर जाता है, सो इनकी डेंसिटी, हार्डनेस, कंडक्टिविटी, इक्वलिटी, ये सब बेटर हो जाती है. इंटरस्टीशियल कंपाउंड हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, बट दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, आपका कंडक्टिविटी, हार्डनेस ओवर इनका डिफरेंट. ठीक है, ये हो गया आपका जो है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं आपको, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट. Why transition elements are used as a catalyst? आप जानते हो कई reactions में जैसे iron होता है, platinum होता है, cobalt वगैरह होते हैं, nickel होता है, सब catalyst आप जानते हो, बहुत सारे ज्यादातर catalyst सब transition element ही होते हैं. तो क्यों होते हैं, तो उसका सबसे याद करिए, why transition elements are used as a catalyst. जितने question मैं पढ़ा रहा हूँ सब question बहुत important type क्वेश्चन है जो यही सब पेपर में आते हैं, इसलिए ध्यान से आप लोग टिप्स पे इनका आंसर याद करते जाइए, ध्यान से बच्चा जो सुनेगा वो सब उसको याद हो जाएगा. तो व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूज एज ए कैटलिस्ट, क्या बताओगे, इसका तीन रीजन है, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, दे फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट. देखो मैंने अंडरलाइन किया है, तीन रीजन होते हैं, दे हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, दे फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट and they provide large surface area. Why transition elements are usually considered, this is because they have partially filled d orbital. आप जानते हो d orbital mostly खाली group 12 वालों का भरा होता है, बाकी सब में partially filled होता है. तो because they have partially filled d orbital, they form reaction intermediates बनाते हैं, reaction intermediates भी बनाते हैं, and they provide large surface area. इनका surface area क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी जिनको जब
इनको जो है जब पाउडर करते हैं तो दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। कौन कौन से एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट तरह यूज होते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है जो है कि आयरन, कोबाल्ट, निकिल, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, प्लेटिनम एटसेट्रा। जैसे आप देख सकते हो N2+3H2 gives 2N3। इसमें आप जानते हो आयरन कैटलिस्ट होता है और मॉलिब्डेनम क्या होता है, प्रमोटर होता है। आयरन कैटलिस्ट होता है, मॉलिब्डेनम क्या होता है, इसमें प्रमोटर होता है, ठीक है। ऐसे दूसरा देखो 2SO2+O2 gives 2SO3। इसमें हमारा होता है V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, या सम टाइम इसमें प्लेटिनम भी होता है। प्लेटिनम भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो सबको याद हो गया व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। दिस इज बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, दे फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट्स एंड दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। तो हो गया आपका जो है व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉय। एलॉय जानते हो जो है आपके होता है आपका ब्रास है, ब्रोंज है, आपका सोल्डर है, स्टेनलेस स्टील है, स्टील भी होता है, ये सब हमारे होते हैं एलॉय होते हैं। व्हाट इज एलॉय? एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और वन मेटल एंड वन और मोर नॉन मेटल, दिस इज कॉल्ड एलॉय। What is alloy? Alloy is a homogeneous mixture of two or more metal or one metal and one or more non-metal. जैसे example के लिए brass, bronze, आपका ऐसे होते हैं stainless steel, ये सब होते हैं alloy. अब होता है कि white transition form alloy. इसका देखो